तुम्हें अपने मन से क्या महसूस होता है, जॉब मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है ना। फिर हम ये क्यों कहते हैं सरकार नौकरी निकलती कि नहीं निकलती? टीचिंग JBT 2011 में निकली थी हरियाणा में, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। हरियाणा और ज्यादा बुरा हाल। TGT SS सोशल स्टडीज कब निकली थी वैकेंसी? HTET का रूम ऐसे ही भरता था जितना तुम्हारा भरा हुआ, और HTET में TGT SST करने वाले लोग ज्यादा होते थे। मैं उनको कहता था तुम बेरोजगार रहोगे, मास्टर तो सैनिकों कोई नहीं होती धरती पर। एक अन्य की अकल नहीं होती, इन तो शाना धरती पर कोई नहीं होता। कब भर्ती आई थी? अब क्या चल रहा है? आज जाके तो उम्र भी ना होली इतनी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और अब कब कहां लग रहा है कि जो निकट भविष्य में भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तू सबसे आगे बैठ के बातें करता रहता है, तू मानता तो है नहीं। अब बता इसका दाग तू वैसे है? कुछ नहीं, पैर नहीं चालू करते, यहां आके बैठ गया। हरियाणा पुलिस 2019 में भर्ती आई थी। अब प्रदर्शन कर लिए, सारे काम कर लिए, सारा काम तैयार है, बस ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। हरियाणा मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बोले बकरी दूध तो दे पर मिंगन कर करके दे। अभी ये अग्निवीर वाला मामला चला तो इनका रिजल्ट फाइनल कराया था। अभी ये स्कूलों का मामला तो दुर्गा शक्ति वाले लगा लिए। थोड़े लगते हैं बस शांत, बोले थारा भी नंबर आना रहे तुम चुप हो जाओ। हरियाणा खम कहीं अननेसेसरी खींचा जा रहा है। 2019 से 2022 बेशर्मी है टोटली। 2018 में जो भर्ती हुई थी, 2019 में जिनकी पासिंग आउट थी, उस पासिंग आउट परेड में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो बता रहे थे कि स्कूलों में टीचर्स की संख्या ज्यादा हो गई, अध्यापकों की संख्या कम है, जो अभी कुछ दिन पहले ही बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि हर साल भर्ती की जाएंगी। हरियाणा पुलिस में 25,000 प्लस वैकेंसी खाली है। ये कम और ज्यादा हर एक हाल में, हर जगह पर यही हाल है। कम और ज्यादा हर जगह पर, हर देश में, हर प्रदेश में यही हाल है। इस कारण से ये भर्तियां डिले हैं, इसलिए कहते हैं कि भर्तियां नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि भर्तियां नहीं आएंगी, भर्तियां नहीं आएंगी, चार दिन देश नहीं चलेगा, चार दिन सरकार नहीं चलेगी। भर्तियां तो होती हैं, लेकिन अब कहां हो रही, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, वो इस प्रकार से नहीं है। हरियाणा